नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत फिर से गर्माने लगी है। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय के बयान के बाद प्रदेश की नजर अमेठी लोकसभा सीट पर टिक गई है, क्योंकि अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा राहुल गांधी को दिया जाएगा? अमेठी में फिर से बिग फाइट देखने को मिलेगी। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस, समाजवाद पार्टी और आरएलडी तीनों पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव में साथ आएंगी? तीन लड़कों का मुकाबला योगी और मोदी की जोड़ी से होगा। आज के सबसे बड़ा मुद्दा में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अमेठी की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान तो किया है, लेकिन सवाल कि लड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं? यूपी में खोई हुई जमीन को मजबूत करेगी कांग्रेस, साथ ही साथ अमेठी में स्मृति को टक्कर क्या राहुल गांधी दे पाएंगे? इसके अलावा यूपी में साथ आएंगे तीन लड़के और मोदी योगी से मुकाबला क्या तीनों लड़के कर पाएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए हैं अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहां गया, जनता को जवाब दे। अजय राय जी पूर्वांचल में कितना कमाल कर पाएंगे तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात ना है, अजय राय एक मजबूत नेता है और कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत नेता को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार अजय राय जी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े और मजबूती से कांग्रेस पार्टी की वकालत करते रहे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत नेता को कमान सौंपी। देखिए, कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, इसके पहले भी अमेठी से ही लड़े थे और स्मृति ईरानी जी द्वारा हरा दिए गए। ये सही है कि इस बार भी जनता उन्हें अमेठी से पराजित करने का काम करेगी, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस बार रायबरेली भी कांग्रेस हारेगी। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी बूथ सुधारना चाहती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का तारुफ आपसे करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हरीश चंद श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह टीटू नेता आरएलडी हमारे साथ जुड़े हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा के चर्चा में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आप बीजेपी का सबसे पहला रुख करना चाहूंगा, हालांकि राहुल गांधी का को लेकर जो बयान सामने आया है उसके बाद सवाल तो पहले कांग्रेस से होना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है बीजेपी से, स्मृति ईरानी क्या अमेठी से लड़ती हुई नजर आएंगी? हरीश चंद जी बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगी। श्रीमान राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी से डर के सुदूर दक्षिण वायनाड चले गए और फिर पलट के अमेठी की तरफ देखे नहीं, और स्मृति ईरानी जी हर सप्ताह अमेठी की जनता के साथ रूबरू रहती हैं, तो जनता को उनके सरोकारों के प्रति जवाबदेह प्रतिनिधि चाहिए, जो स्मृति ईरानी जी ने सुनिश्चित किया है, विकास को अंजाम दिया है, लोगों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया है और बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम किया है, तो अमेठी की जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगी जो उनके सरोकारों के प्रति पूरी तरह जवाबदेही के साथ काम कर रहा है। कि ऐसे प्रतिनिधि को हार गए तो उसके बाद केरल चले गए और तब से फिर लौटे नहीं अमेठी। और दूसरी बात, अभी 5-6 महीने भी नहीं हुए जब
2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी अगर क्षेत्रवार कितना वोट उसको मिला था, यही बैलेंस शीट देख लेती तो सच का सामना उसको हो जाता। स्लोगन देना अलग का बात, स्लोगन अजय राय जी ने दिया, गई राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए दिया हो सकता है। बीजेपी तो कह रही है कि स्मृति ईरानी वहां तो नजर आएंगे स्मृति ईरानी। राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया है कि वो वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, कितनी सच्चाई, क्या स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ माहौल बनाना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अमेठी और रायबरेली का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है। बहुत लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, हमेशा चुनाव लड़ते रहते हैं, गांधी परिवार के खिलाफ लड़ते रहे, वहां पर एक समय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने चुनाव लड़े थे, क्या हुआ? तो बहुत से लोग लड़ते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव होता है, लेकिन उनका पारिवारिक रिश्ता है। और अमेठी से श्री राहुल गांधी जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले संजय गांधी जी वहां से चुनाव लड़े, श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ती थी रायबरेली से। अब भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि हर समय सिर्फ देश के लोगों को चुनाव के हिसाब से झूठ बोलकर वोट लेने का काम करती है, तो इनको सिर्फ चुनावी चश्मे से अमेठी नजर आती है। लेकिन अमेठी वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो अमेठी में ना हो। आज अमेठी नहीं, आसपास के लोगों को रोजगार अगर मिलता है तो वहां पर कांग्रेस की देन है, चाहे वहां पर फुर्सतगंज में हवाई ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र हो, या फुटवेयर का प्रशिक्षण केंद्र हो, या गेल हो, भेल हो, या BSNL टेलीफोन की फैक्ट्री हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास जवाब नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी हर हफ्ते जाती है, अब ये नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या कहा था अमेठी की जनता से कि 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, 13 रुपए किलो शक्कर। कहाँ है 13 रुपए किलो शक्कर? हरीशचंद जी जवाब। पूरा प्रदेश महंगाई से, बेरोजगारी से पीड़ित है। श्री राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक। ठीक है अंशु जी, ठीक है। भारतीय जनता हरीशचंद जी जवाब। हर हफ्ते जाती है, लेकिन वो 13 रुपए किलो जो चीनी की बात थी सीट बदलने उसको लेकर तंज कसते हुए अंशु अस्थी जी सामने आ रहे हैं। हरीशचंद जी, खौफ हो गया पूरे भारतीय जनता पार्टी से, इस समय खौफ हो गया। ठीक है अंशु जी, ठीक है, ठीक, समझ नहीं पा रही वो चुनाव कहां से लड़े। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंता में है कि काशी की बजाय कहां से चुनाव लड़े। ठीक है अंशु जी, उन्होंने काशी को धोखा, ठीक है जवाब ले लेते हैं अंशु जी, धोखा दिया। ठीक है, लगातार बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं है सर, प्लीज। ठीक है हरीशचंद जी जवाब। देखिए कांग्रेस पार्टी इसी तरह के चुनाव मोदी जी काशी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा है कि अंशुल जी को बिल्कुल धैर्य ही नहीं जवाब सुनने का। हमने कहा कि इस तरह के जितने तंज हो सकते थे, ये 2019 में भी कसते थे और 2022 में भी कसते, लेकिन आखिर 2022 में प्रणाम क्या रहा? प्रियंका गांधी वाड्रा जिनको सबसे कांग्रेस पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा थी, इनको सबसे ऊर्जावान नेता कांग्रेस पार्टी का नहीं, वो उनका उनका सवाल ये था कि स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 13 रुपए किलो वाला जो पूछ रहे हैं, वो पता नहीं को कब सपने में आया, मैं नहीं जानता। लेकिन अंशु जी साथ में वो बता देंगे, जरा टीवी स्क्रीन पर अंशु जी को लाइएगा, बता वो ही बता देंगे कि कब का। अंशु जी जरा बता दीजिए, आपने ही सवाल पूछा है। देखिए इतने सपने हैं आपको, देखिए मैं तो ये कहूंगा आपका प्रतिष्ठित चैनल है, वो वीडियो दिखा दे 13 रुपए किलो शक्कर वाला, भरोसा नहीं। हरीश श्रीवास्तव जी प्रियंका गांधी जी के बारे में जानकारी रखते हैं, कांग्रेस के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो झूठ बोलती है उसकी जानकारी नहीं रखा करिए। इनकी 13 रुपए किलो शक्कर किसने कहा था की जनता के सामने? ईरानी ने नहीं कहा था, और इसलिए ठीक है उत्तर प्रदेश की जनता बार बार इनको खारिज करती है। देश आपका इसी तरह के आरोप में 17 में 19 में 22 में सब चुनाव में लगाते रहे, और जनता इनका सच इनके बैलेंस शीट के सामने कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन लेकिन एक सवाल ये भी अंशु जी, वो वीडियो देख लिया, ठीक है आप, एक सवाल ये भी है अंशु जी
क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अंशु अवस्थी जी, इस बात में कितनी सच्चाई है या यूटर्न ले लिया जाएगा सिर्फ माहौल बनाने के? पॉइंट टू पॉइंट जवाब चाहिए। देखिए, अमेठी से बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, अमेठी का उनका पारिवारिक रिश्ता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है और श्रीमती प्रियंका गांधी कैसे चुनाव लड़ेंगी। एक चीज और समझाएगा अंशु जी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? मतलब कि आप विधानसभा चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं, ना राहुल गांधी नजर आते हैं, ना प्रियंका गांधी नजर आती हैं। भैया, ये हरीश श्रीवास्तव के बहकावे में मत जाइए। आपको याद होगा कि अमेठी में हमारे एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, श्री बंटी गुप्ता जी। उनके पिताजी का देहांत हुआ, श्री राहुल गांधी जी पहुंचे, प्रियंका गांधी जी पहुंची और कोरोना काल में 20 ट्रक अनाज उन्होंने अमेठी की जनता को भेजा, लाखों किट दवाइयां जी को मालूम है। हमने पहले कहा जनता को मालूम, लोग सिर्फ चुनावी नजरिए से देखते हैं, लोग सिर्फ चुनावी नजरिए से देखते हैं। गांधी परिवार का अमेठी से पारिवारिक रिश्ता है, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने जाती है। एक चीज तो अंशु अवस्थी जी, एक चीज तो आप मानते हैं ना अंशु अवस्थी जी, एक चीज तो आप मानते हैं कि आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि हर हफ्ते जो है स्मृति ईरानी दिखाई देती है अमेठी में, लेकिन अमेठी की जनता भी तो पूछती है कि राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ हैं। नहीं, हमने क्या कहा, अभी आपने ओपनिंग डिबेट में हमारे वहां के नेता श्री दीपक सिंह जी की बाइट चलाई, उन्होंने स्वयं कहा कि अमेठी के लोग अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। एक बार रायबरेली में भी धोखे से लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने किसी को जिता दिया था, उसके बाद रायबरेली के लोग स्वयं गए, उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई। तो उनका पारिवारिक रिश्ता है। हमने फिर कहा भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके के झूठ बोल रहा है। आप ठीक है अंशु अवस्थी जी, आपको ये नहीं लगता है कि पत्रकारों को सवाल पूछने पर रोक लगाते हैं? नहीं नहीं, कोई रोक वो क्या करने जाती, पत्रकारों को धमकाती है। अंशु अवस्थी जी, आपको नहीं लगता कि छह महीने में एक बार जाना, साल भर में एक बार जाना और हफ्ते और हर हफ्ते जाना, इसमें कोई डिफरेंस है? आपको नहीं लगता ऐसा? भैया मैंने क्या कहा, आप वहां रोज जाइए लेकिन जब आप वहां के लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, बंदर की तरीके से इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, तो क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी भी खूब प्रचार कर रहे हैं, खूब पूरी दुनिया दौड़ रहे हैं, क्या कर पाए? कितना आयात निर्यात बढ़ा, पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, हर तीसरे हफ्ते वो इटली जर्मनी जापान जाते हैं, उनको मिजोरम जाने की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी ये बताइए क्या फायदा हुआ? ठीक है, अरे भैया उछल कूद बंदर की तरीके से मचाने से नहीं होता, आपकी नीतियां होनी चाहिए जिससे फायदा हो। ठीक है, अमेठी को कपीश एक काम किया हो तो बता दे। ठीक है कपीश जी, एक काम अगर अमेठी कपीश जी हो तो बता दे। राहुल गांधी अमेठी में नजर आएंगे? सवाल इसके बाद ये उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ में नजर आते हुए दिखाई देंगे? कपीश जी, देंगे क्या? दिखाई दे नहीं रहे हैं क्या? पटना से ही देख लीजिए, इसमें तो ये तो कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। हम लोग इंडिया के हिस्सा हैं और हम लोग वार्म वेलकम करेंगे। और हम तो एक बात को कहते हैं कि देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान और नफरत का शटर गिराया है, वो यहाँ से मणिपुर तक लोग देख रहे हैं समूचे भारत में। वो भारत के नेता हैं, वो भारत के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने का मादा रखते हैं। और जिनसे आप तुलना कर रहे हैं, दिल्ली के भाग से कभी छींका फूट जाए, कभी कोई काट की हांडी दोबारा थोड़ी चढ़ती है। हमारा 350 का सिलेंडर सर पे लाद के नाचने वाली आज 1200 पे नहीं बात कर रही है कि क्या अमेठी की जनता को 1200 की जगह 350 में मिल रहा है? क्या टमाटर 260 रुपए की जगह यहाँ पर भी 60 रुपए किलो में मिल रहा है? तो ये तो जवाब देने के लिए नहीं पूछी। वहां तो पोस्टर लगे हुए थे अमेठी में कि हमारी सांसद लापता है। लापता सांसद कैसे आकर के पता होंगी ये बताइए? इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, आपने जो डबल इंजन की सरकार का सपना दिखाया था कि रायबरेली और क्या बोलते हैं अमेठी और सुल्तानपुर का बेल्ट पूरा सोने का बना देंगे, इतने बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लगा देंगे। अरे आप क्या लगाइएगा? आपको तो जमीन भी एम्स की जो है वो अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। हरीशचंद्र जी, सबसे बड़ी बात मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, खाली कह देने से थोड़ी ना होता है। ये बताओ लापता क्यों है स्मृति ईरानी?
हरीश चंद्र जी हकीकत है कि कांग्रेस ने 20 ट्रक अनाज भेजा था अमेठी के अंदर। हाँ। अरे वो तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने न जाने कितना प्रियंका जी ने बस भेजा था जिनको इन्होंने लौटा दिया बिना मतलब का। हरीश चंद्र जी जवाब, लोग उसकी वजह से मर गए। ठीक है, ठीक है सर। इनको जवाब दे, प्रधानमंत्री तो एम नहीं बोल पा रहे मणिपुर का। अभी अभी तक भ्रम और झूठ फैलाने काम केवल कांग्रेस के एजेंडे में था, अब समाजवादी पार्टी भी वही करने लगी है। कपीर जी बता रहे हैं कि वो तो लापता है सांसद की है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी कोई बता रहे हैं उन्होंने उनका सुबह बोलो शाम बोलो दोपहर बोलो रात बोलो महिलाओं कांग्रेस पार्टी के पास संपादन बंदर से तुलना कर दी, जो स्मृति ईरानी की बंदर से तुलना कर देगा। ये कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का उनके पोर्टा का महिलाओं का इलाका है, और रहा समाजवादी पार्टी का समाजवादियों ने रहा समाजवादी पार्टी जनता पार्टी को तो समाजवादी समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी और ये बताओ कि अमेठी के लिए आपने क्या किया, लेकिन इस देश के लोगों के लिए आपने क्या किया? 60 लाख से ज्यादा केंद्र में खाली पड़े हैं पद, सरकारी नौकरियां आप प्राइवेटाइजेशन करके सबकी नौकरियां खाते जा रहे हो, सबकी नौकरियां आप दोस्त अडानी को दे रहे हो। अंशु जी ठीक है, अंशु जी एक के बाद एक सवाल अगर आप पूछेंगे तो जवाब भी सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे फिर आप पूछ लीजिएगा। बोलिए, हमने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए हरीश श्रीवास्तव जी सम्मानित जनता ये सब ढोंग अब दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिए, नौटंकी ड्रामा बंद करिए, और ये बताइए कि इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? आरोपों से महंगाई चरम पर है। ठीक है, सब्जियों ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में कुछ आएगा नहीं। इंद्रजीत सिंह चीकू जी हमारे साथ आरएलडी से बने हुए, आरएलडी का पक्ष रखने के लिए इंद्रजीत सिंह का रुख करना चाहूंगा। इंद्रजीत जी, जयंत चौधरी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्या ये तीनों एक साथ नजर आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई संशय नहीं है। और बहुत जल्द राहुल जी अपनी जो पैदल यात्रा है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और तीनों लोग आपको इकट्ठे नजर आएंगे और ये जनता के बीच में जाएंगे, जनता के दर्द को, जनता की साथ जो बेरुखी करी है डबल इंजन की सरकार ने, उस बेरुखी को सुनेंगे और उनको भरोसा देंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हम फिर आपके बीच में आ रहे हैं और आपकी हर बात पे गौर करा जाएगा और आपके साथ जो हुआ उसे निजात दिलाएंगे। विजय उपाध्याय जी, आप पूरे समीकरण को अगर समझना चाहूं तो स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी 1-1 देखने को मिला है, एक बार स्मृति ईरानी और एक बार राहुल गांधी, क्या इस बार वही कड़ा मुकाबला अमेठी में देखने को मिलेगा? क्या वैसी स्थितियां हैं? हाँ, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि अमेठी फैमिली की सीट है और करीब 45-46 साल का रिश्ता है गांधी परिवार का अमेठी से, तो इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे 2024 में। पिछली बार उन्होंने वायनाड और अमेठी दोनों से लड़ा था, और बाय द वे वो अमेठी से करीब 50,000 वोटों से हार गए थे। सवाल यही था ना सर कि अगर वो आश्वस्त थे, पारिवारिक सीट थी, तो दो जगह से लड़ने की जरूरत क्या थी? ये इसी सवाल का जवाब मैं अंशु अवस्थी से भी लूंगा और आपसे भी। सर देखिए, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, इंदिरा जी ने भी काफी पहले रायबरेली और चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था, बाद में चिकमंगलूर छोड़ दिया। 99 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी और रायबरेली से चुनाव लड़ा था, तो परिवार मैसेज देने की कोशिश करता है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों जगहों पर उनका प्रेजेंस हो जाए, और इस वजह से एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं नेता लोग। आपको याद हो कि पहला चुनाव मोदी जी ने भी, मुझे जहां तक याद है कि वाराणसी के साथ उन्होंने गुजरात की भी एक सीट से चुनाव लड़ा था, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है राजनीति में, और एक संदेश देने की कोशिश होती है, चूंकि नैरेटिव क्रिएट होता है दोनों जगह से लड़ने से, और दोनों जगह लोगों का जुड़ाव होता है, एक 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 दो अलग अलग हिस्से में पार्टी को फायदा होता है, इसलिए लोग लड़ते हैं। और 24 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और दिखाई दे रहा है कि काफी रोचक जंग होगी। नहीं, जरा ये समझना चाह रहा था अंशु अवस्थी जी, जरा समझाइएगा कि अजय राय जी आते हैं और आते हैं, उनका स्वागत होता है वाराणसी में, कार्यकर्ता जोश से भरे नजर आते हैं, और उसके बाद से
सामने चीजें निकल कर आती कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये नहीं उठता है कि यूपी में खो रही जो जमीनी हकीकत है उसको फिर से तलाशने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर मजबूत संगठन अपना खड़ा कर रही है, क्योंकि गठबंधन साथ में लड़ेंगे कि अकेले? तो हमारा जो संगठन है, मैं एक मिनट, मेरी बात आ जाने दीजिए प्लीज, आशीष पांडे जी आ जाए, ठीक है बोलिए। हम सभी 80 लोकसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी उस सीट पर उतरे जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी ना हो के गठबंधन का प्रत्याशी हो, तो हम मजबूती से उनकी मदद कर पाए, इसलिए सभी 80 लोकसभा सीटों पर हम मेहनत कर रहे हैं और संगठन खड़ा कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा जो चरण है वो 25 से 27 दिन सहारनपुर से शुरुआत होकर चंदौली तक जाएगा, सोनभद्र तक, तो उसमें भी हमारा जो है वो कार्यक्रम बढ़ेगा। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे अपने आप? भारतीय जनता पार्टी ने, आशीष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को और उसके साथ में जो भूमिहार जाति है जिसका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ चार राज्यों में प्रभाव है, मध्य प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी, उस जातवर के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व एकदम शून्य कर दिया आपने। दिन रात आप दलितों पर अत्याचार करते, ब्राह्मणों को टारगेट करके, निशाना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारा जा रहा है और आप हथियारों को संरक्षण दे रहे। तो ऐसे में श्री अजय राय जी जुझारू और संघर्षशील है और वो निकल कर आए, उनके अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और प्रदेश में निश्चित रूप से एक सशक्त नेतृत्व। ठीक है अंशु जी, मैं समझ गया कि आप 80 सीटों के लिए पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन जो जो पार्टी को मजबूत करने की बात हो रही है अंशु जी, ठीक है, पार्टी को मजबूत करने की जो बात हो रही है वो कैसे करते नजर आएंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजबूत करते आएंगे। मैंने कैसे कि 80 लोकसभा सीटों पर हम मजबूत संगठन, कोई रोड मैप होगा, कोई प्लानिंग होगी और संघर्षशील छवि है। हाँ अंशु जी, आप बोलते बहुत हो बीच में सर, रुक जाए। नहीं, कहीं कहीं बोलना पड़ता है ना सर, क्योंकि आप डिबेट मुझे एक रेल पर चलना है ना, इधर उधर नहीं जाना है। नहीं ठीक है, तो एक ही टॉपिक पर रहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया जी, बात ले लिया, मैं समझ गया। मेरे सवाल का जवाब आप अगर पॉइंट टू पॉइंट देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं टूटूंगा। सवाल आपके सवाल का जवाब है क्या है, प्लानिंग क्या है? जी 5 बार विधायक रहे हैं, 10 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं, उनके पास एक अच्छा चुनावी अनुभव है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पदभार ग्रहण करते ही उस अनुभव का पूरे प्रदेश में हमें फायदा मिलेगा। उनकी जुझारू और संघर्षशील छवि रही है और मिलनसार छवि है, तो कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है। और जो भूमिहार समाज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, उसका भी समाज इनसे हिसाब किताब करेगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व दिए हैं, चाहे वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हो, उत्तर प्रदेश के हो, तो ये जरूर है, हम ये चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या, अब आप ओबीसी की बात करते हैं जब मंत्रियों की लिस्ट निकालते हैं, लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जाति जनगणना आप क्यों नहीं करा रहे, उस पर ये चुप हो जाते हैं। तो ये दोगले लोग हैं, इनके मन में कुछ और है, सामने कुछ और है, ये काम अडानी के लिए करेंगे, गरीब आदमी को सिर्फ लाइन में खड़ा करेंगे। हरीशचंद्र जी जल्दी से जवाब, हरीशचंद्र जी जल्दी से जवाब, फिर इंद्रजीत सिंह का रुख करूंगा। कांग्रेस से ज्यादा मुझे दोगली पार्टी और कोई नहीं है। 609 अंशु अवस्थी जी, जवाब सुन लीजिए, कांग्रेस अंशु अवस्थी जी, देखिए अंशु अवस्थी जी, एक मिनट, ठीक है हरीशचंद जी, एक मिनट हरीशचंद जी, एक मिनट रुक जाइए हरीशचंद जी, हरीशचंद जी, हरीशचंद जी, एक मिनट रुक जाइए अंशु जी, नहीं ठीक है, हरीशचंद जी, आप किस तरह से हरीशचंद जी बंटवारा करना चाहते हैं, वो बंटवारा होने नहीं देंगे, देश का हम बंटवारा नहीं होने देंगे। आपकी दोगली हरीशचंद जी, आपने बंटवारा हुआ, हरीशचंद जी, ठीक है आवाज हरीशचंद जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करेगा प्लीज, उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है हरीशचंद जी, एक मिनट अंशु अवस्थी जी, आप मुझे तो ज्ञान दे रहे थे कि बीच में बहुत बोलते हैं, बीच में बोले जा रहे हैं, अभी आप तब से वही काम कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब जो है वो सुन लीजिए, उतना पेशेंस रखिए, उतना धैर्य रखिए, ठीक है हरीशचंद जी, जवाब इनसे हिसाब किताब, उत्तर प्रदेश फिर आप बीच में कूद पड़े, इन्होंने छला है, अरे आपने आपने पूछ लिया ना, आप फिर बीच में कूद पड़े सर,
सुन लीजिए ना, जवाब कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दोगली और कोई पार्टी नहीं होती। जवाब दिया, इनके दोगलेपन के कारण देश का इन्होंने बंटवारा किया और इनकी दोगली नीतियों के कारण, इनकी दोगली नीतियों के कारण देश का बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदापि नहीं होने देगी। इनके दोगले चरित्र से पूरा देश परिचित है, देश की जनता परिचित है। और इनके जो झूठे चौथे खोखले जो आरोप है वो कहीं टिकते नहीं है। जनता जनार्दन इसीलिए पूरी तरह सीरियस। ठीक है कपीश जी, राहुल गांधी आपके साथ आते हैं और अखिलेश यादव तो रहते ही है, साथ ही साथ जयंत चौधरी आते हैं, तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है 24 के चुनाव को लेकर? कैसे आपस में जो कहा जाए कि साथ में दिखाई देंगे, पोस्टर में भी साथ दिखाई देंगे, तीनों ही चेहरे नहीं दिखाई देंगे, जमीन पे भी दिखाई देंगे, काम करते हुए भी साथ दिखाई देंगे और परिणाम आते हुए भी साथ दिखाई देंगे, आगे भी साथ दिखाई देंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, हम लोगों में से कोई राजभर नहीं है कि प्रधानमंत्री नंबर वन का झूठा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री को भीख का कटोरा थमा देंगे, उसको उसकी औकात बता देंगे, मठ भेजेंगे चल सन्यासी मंदिर में, और भारतीय जनता पार्टी लोट पोट हो रही है। तो ये स्वाभिमान से अपना सम्मेलन वो कराते हैं, अपना समझौता करते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया के गठबंधन दल नहीं करते, हम सबको सम्मान बराबर देते हैं सर। लेकिन इतना कटाक्ष करते, एक सवाल और आता है ना कि चेहरा फिर कौन होगा? अगर मान लीजिए तीनों लोग रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे और अखिलेश यादव, तो चेहरा कौन रहेगा? अरे दोस्त, फिलहाल उत्तर प्रदेश की नजर से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, मैं आपको बताऊँ चेहरा कौन रहेगा फिर? सुन लीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी भी रहेगी, आप क्यों उसको अलग कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे लोग, कांग्रेस तो कह रही है आम आदमी, यही तो सवाल है सर। दिल्ली में तो कांग्रेस क्या बयान दिए वो तो आपने सुना ही होगा। कांग्रेस कुछ नहीं कह रही, ना कांग्रेस का बयान नहीं था वो। किसका बयान था? कांग्रेस का बयान। किसका बयान? मैं तो साफ एक बात कह रहा हूँ कि अगर लांबा जी ने कोई बात कही थी तो पार्टी से आकर के उसका खंडन कर दिया गया, बात खत्म हो गई है। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ और पूरी मजबूती से कह रहा हूँ, इलेक्शन करीब आने दीजिए, ऐसी गुगली चलेगी कि इंडिया के आगे एनडीए पस्त दिखेगा, क्योंकि निकम्मे दलों का अलायंस अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनमें ऐसे लोग हैं ही नहीं कि जो देश चलाने की कुवत रखते हो। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपना बार बार मांग लिया समय, उसके बाद देश की इकॉनमी को नष्ट कर दिया। और आज जितनी फर्जीफिकेशन इन्होंने किया है जीडीपी में, अगर हम आपको लेके बैठ जाएं और समझाना शुरू कर दें माइक्रो इकोनॉमिक्स कि कैसे जीडीपी निकाली जाती है, इन्होंने क्या हेर फेर किया है, तो इन्होंने आधार वर्ष चेंज कर दिया। आप देखिए तो कहते भ्रष्टाचार नहीं किया, ठीक है, तो मुझे लगता है सामने आया है, मुझे लगता है कि आपके जो नेता है, बताइए, मुझे लगता है ये चीज आपने अच्छी कही, मुझे लगता है कि आपने इस चीज को समझा। मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी इन सब चीजों पे बोलना चाहिए, वो सांड पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ग्रामीण सबक क्यों? सांड क्या? सांड जो है बाबा का, सांड जो है उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन ले रहा है, उसको आप छोटा समझ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा कि मुद्दा आपकी नजर में जीडीपी भी है तो उस पर भी बातचीत करनी चाहिए ना। कितनी बार अखिलेश यादव ने जीडीपी का नाम लिया है? नहीं नहीं, आपने फर्क सुना ही नहीं है। आप अगर उनकी पीसी सुन रहे होते तो वो तो एक एक बात पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस दिन के लिए रखे गए? हम लोग भी तो बैठ करके आपको समझाने, हम तो माइक्रो इनके प्रधानमंत्री आवास की पोल खोल देंगे कि इन्होंने बैंक में किस तरीके का फ्रॉड किया है, किस तरीके से जो है इन्होंने 1,75,000 रुपया जो 15-20 साल में आने वाले में ईएमआई में सूद है उसमें कम करके लोगों से शपथ पत्र लेकर उनको प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया। आप 50 लाख रुपए का अपनी मेहनत से घर बनवा रहे हैं और 1,75,000 की ब्याज में छूट लेके वो प्रधानमंत्री का घर हो रहा है, तो ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये तो सारी दुनिया जान ली। एक अदानी के लिए इन्होंने काम किया, सेबी की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात रख दी। हरीशचंद जी मुस्कुरा रहे हैं आपके इस बात पे। हरीशचंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर अंशु अवस्थी और फिर इंद्रजीत सिंह की का रुख करूंगा। ठीक है सर, जल्दी जवाब ले लेते, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं आपकी बात पे। सीएजी की रिपोर्ट में आए हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जब इस पे ज्ञान बघाड़ती है, जो जिसका जिसका शुरू से लेकर अब तक का इतिहास केवल भ्रष्टाचार और घोटाले का है, केवल भ्रष्टाचार और घोटाले का है, इसका अब तक का इतिहास लेके अब तक का वो अगर ज्ञान बढ़ाती है तो लोग हंसी मजाक बनाते। कपीश जी, कपीश जी, कपीश जी,
अरे कपीश जी ये बौखलाहट काहे कितना बौखलाहट दिखा रहे हैं, जनता आपको सरकार करने वाले भाई है, एक एक जनता आपको सरकार करने वाली कभी नहीं है। बौखलाहट आपको आपने द्वारिका का अंशुल भी दिखावा है, आप दिखावा है, आपने कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जनता जनता आपको कर दिया, आपने परख चुकी है, आपने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी आयुष में कर दिया, इसलिए आप जनता को प्रधानमंत्री देने वाली नहीं है, अपने पीएम फंड में आए दिया, अब आप जो आप दिखाइए ये जो नहीं पड़ेगा रिपोर्ट ठीक है भाई, ठीक है सर। इंद्रजीत सिंह जी, जयंत चौधरी स्वागत करेंगे राहुल गांधी का आरएलडी में, माफ कीजिएगा जयंत चौधरी, क्या खुश नजर आएंगे अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि समन्वय की बात रहती है कि आपस में जो पट्टी हुई नजर आनी चाहिए चीजें। आशीष जी, जब एक कुंबा तैयार हो गया है, एक परिवार इकट्ठा हो गया है, तो फिर एक दूसरे की इज्जत करना और इज्जत देना हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम इज्जत देंगे नहीं तो इज्जत लेंगे कैसे? परिवार में जितने भी साथी होंगे सब एक दूसरे की इज्जत करेंगे और वन टू वन एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे, तभी तो इंडिया जीतेगा। किसी को पूछने और कहने वाली बात नहीं है। जितने भी देखिए आशीष जी सुनिए, आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, समय दिया तो मुझे जवाब देने। ठीक है, ठीक है, बोलिए सर। आप देखिए जितनी भी ये मीटिंगें बार बार हो रही है, अब तीसरी मीटिंग इंडिया की होनी है, वो क्यों हो रही है? एक ही मीटिंग में सब चीजें डिसाइड हो जानी चाहिए। आज आपने आपने जो सर सवाल करा, जो सवाल आपको याद आए, आज मेरी डिबेट से पूछे कुछ सवाल जो आपके पास रह देंगे, आप अगले दफा में मेरे से पूछेंगे, तो ये जो दो या तीन या चार या पांच मीटिंग करी जा रही है उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है, किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाना है, पार्टी हर पार्टी के विधानसभा स्तर पर अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, तो ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा कि विधानसभा के मुद्दे पर डिस्टर्ब ना हो और केंद्र में हम एक नजर आए और जनता को लगे कि अगर ये गठबंधन बना है तो गठबंधन जनता के हित की बात ज्यादा कर रहा है, अपनी बात कम कर रहा है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनका भी जवाब लेते हैं। अंशु अवस्थी आशीष जी, जी देखिए बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे थे मंचों से और वहां से कर रहे थे। आप मुझे बताइए, भारत माला प्रोजेक्ट है, 18 करोड़ रुपए की बिल्डिंग थी और 250 करोड़ रुपए का पेमेंट किया 1 किलोमीटर सड़क का, कहां 18 किलोमीटर करोड़ रुपए किलोमीटर और कहां 250 करोड़ रुपए किलोमीटर, कितने भ्रष्टाचार इनके ऊपर मढ़े हुए हैं और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद में पूरी भारतीय जनता। सर ये सारी बातें आप ही रखेंगे या राहुल गांधी भी आएंगे या प्रियंका गांधी आएंगे ये सब बातें रखने के लिए? जो नाम है पंकज सिंह, राजनाथ सिंह विधायक, बाप रक्षा मंत्री, दूसरा बेटा जो है लॉन्चिंग पैड पे खड़ा है नीरज सिंह, पीयूष गोयल, वेदप्रकाश गोयल, रविशंकर। ठीक है, विजय उपाध्याय जी, क्या ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जो है आते रहना चाहिए था? देवेंद्र फडणवीस, गंगाधर फडणवीस, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, कल्याण सिंह, पार्टी कैसे राजनीति करेगी वो पार्टी ही तय जी। जो जो निर्णय वो करते हैं वो निश्चित तौर पे वो अपने हिसाब से सबसे अच्छा निर्णय करते हैं। किसी पार्टी का किससे गठबंधन होगा, गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कितने पे कंप्रोमाइज करेंगे, चुनाव लड़ने के बाद साथ रहेंगे अलग हो जाएंगे, ये सारी चीजें पार्टियां तय करती हैं। और हमारी डेमोक्रेसी में चूंकि टू पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है सर, समय कम है, समय बहुत कम है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर हर पार्टी अपना दमखम लगा रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी प्रशिक्षण देने का काम कर रही है और कांग्रेस फिर से यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से बिग फाइट अमेठी में देखने को मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में अगर साथ आएंगे तो मोदी योगी से मुकाबला कर पाना क्या आसान रहने वाला होगा, सोचिएगा जरूर। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए बस इतना है।